हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त बढ़िया। तो गाइस, मैं हूं इस टाइम एक बहुत ही खतरनाक वाले जंगल में और मैं रास्ता भटक गया हूं। मुझे पता नहीं मैं कहां हूं, मेरी फट रही है बहुत ज़्यादा। गाइस, मैं हूं रितेश भाई के घर जा रहा हूं। रितेश भाई का घर है तो बहुत ही बढ़िया वो है, देखिए बेहतरीन वाला। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूं बल्ले लेने। मैं इतने बल्ले ले लूँगा किसी टीम के पास नहीं होंगे पूरे उत्तराखंड में। मेरे पास बहुत ज़्यादा बल्ले हैं। तो गाइस, ये है रितेश भाई का घर हमारे। रितेश जोशी आ रहे हैं सामने, देखिए सबसे स्मार्ट उत्तराखंड में आदमी, इसका नाम है रितेश जोशी। इसकी आंखों से लोग कोई बचता नहीं है, ना बचा आज तक, टीका लगा के। खतरनाक आदमी, बैठ जाओ। तो गाइस कंटिन्यू रहो, हम जा रहे हैं बैठ लेने और रितेश भाई हम चला रहे हैं। तो गाइस, हम पहुँच चुके हैं जंगल फेस्टा। रितेश भाई हमारे साथ, हम लेने आए हैं बैड और इन भैया की दुकान यहाँ पर है जो रितेश भाई के फ्रेंड हैं। तो ये जंगल फेस्टा ऊपर, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ। रोहित पाड़ी से मिला था, जो हमारे भैया हैं ब्लॉगर साहब, जो ब्लॉगर है अपने रोहित पाड़ी, उनसे भी मिला था। और यहाँ से ऊपर जाना है, जंगल फेस्टा है। यहाँ बहुत अच्छे परांठे मिलते हैं, आलू के परांठे, चाय कॉफ़ी बहुत अच्छा बनाते हैं वो। आप रितेश भाई भूल कर रहे, अरे यार फोन कट चुका है। रास्ता है नीचे से, हम जा रहे हैं ऊपर यहाँ से। रितेश भाई को पता नहीं अल्दवानी में रह के, और मुझे सारी जगह पता है। इन्हें जंगल फेस्टा भी नहीं पता था, मैं नहीं बताया था। वाह, सारी बातें मैं तो बताता हूँ उन्हें। रितेश भाई हमारे, रितेश जोशी भाई अपने मित्र हैं यार, मेरी सपोर्ट में रहते हैं। जो आदमी अपनी सपोर्ट में रहे उनका हमेशा साथ रहो, कोई भी हो। मुखानी पे आइए, रोज आपको नए नए ब्लॉग पढ़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो भाई हम पहुँच गए हैं, यहाँ देखेंगे बेड बैट बैट क्रिकेट बैट दिखा दीजिए भैया जी। तो गाइस, हम पहुंच गए शोरूम में और हमारे बड़े भाई लोग सब सुबह सुबह शॉप खोल दिए। काफ़ी अच्छा शोरूम सा लग रहा है गाइस मुझे। किस नाम से यार ये? परफेक्ट। इसे शोरूम में मुखानी पे, सॉरी कुसुम खेड़े पे, सॉरी पीली गोडी पे, परफेक्ट। यहाँ आप कच्छे ले सकते हैं, बनियान, जैकेटें बड़े वगैरह वगैरह। फिलहाल अब तो ठंड है नहीं, तो जैकेट मारो गोली, गर्मी कपड़े सब मिल जाएंगे। कपड़े भी देखता हूँ अभी, एक आध बढ़िया कोई मिल जाए तो। फाइनली गाइस, देखिए रितेश भाई देख रहे हैं बेड, और दो बेड आ चुके हैं, और ये हमारे बड़े भाई दिखा रहे हैं बेड। आपका शुभ नाम? अमित नेगी। ये हमारे बड़े भाई अमित नेगी, बाकी हमारे और भी भैया हैं। ये सारे भाई बहुत स्मार्ट हैं और इनकी शादी भी होनी है अभी। तो गाइस, इस ब्लॉग के माध्यम से इनकी शादी भी हो जाए। अगर कोई हमारी सिस्टर, कोई लड़की हो, फ्रेंड हो, तो वो शादी कर सकती है। बहुत स्मार्ट लड़के हैं, पूरा शोरूम इनका है, बहुत अच्छा घर मिलेगा आपको। बेड देखिए गाइस, ऐसे बेड मज़ा आ गया। इसमें चला हुआ डबल लेयर के ना बेड में। कौन से देख ली? इनमें ग्रिप होता है। तो गाइस, दो बेड ले लिए, बहुत ही बढ़िया है, मोटी चादर वाले, जिससे बॉल लगेगी और सीधी पाकिस्तान पहुंच जाएगी बॉल मार दी। बल्ले हो गए 5-6 मेरे पास, किसी के पास नहीं होंगे इतने बल्ले। होंगे यार, क्यों नहीं होंगे, खाली बड़े बोल मत बोलो, वाली कोई मारेगा यार। ठीक है गाइस, चलते हैं अभी बैट लेके सीधी यूथ क्लब में चलते हैं। क्या बैट फिर घर पर रखते हैं, फिर यूथ क्लब चलते हैं। तो पहले गाइस, बैट हमने ले लिए दोनों और अब हम जा रहे हैं यूथ क्लब। आज हमारा मैच तो नहीं है, लेकिन हम वही जाते हैं कि टैब तो काटना ही है। दिन कट नहीं रहे, समय कट नहीं रहा, मौसम हो गया चेंज, पहले का ठंडा अब हो गया गर्म, और हमने दूर अभी जाने का मौसम है नहीं। तो हम गाइस जा रहे हैं रितेश भाई के साथ, जैसे कि बोला मैंने आपको, यूथ क्लब। आज वहाँ मैच चल रहे हैं, जो मैच होते हैं 20-20 ओवर के। वहाँ पन्नी भाई मिलेंगे, पवन भाई मिलेंगे, अपने बड़े भाई संजू भाई मिलेंगे, संजू दा दा मीन्स बड़ा भाई। और बहुत बढ़िया, मैंने कुछ खाया नहीं, वहाँ दाल चावल भी खाएंगे, जो भी खाएंगे यार, ब्लॉग में आज दिखाएंगे यार। अब मैं रोज़ ब्लॉगिंग करा करूँ मुझसे। गाइस कहते हैं कि भैया आपका यूट्यूब चैनल है, उसमें वीडियो रोज़ नहीं पड़ रही है। रोड डालूंगा, माई गॉड, रोड डालूंगा, कुछ भी डालूं, रोड डालूंगा, शॉर्ट डालूं, वीडियो डालूं, कुछ भी डालूं गाइस। तो फाइनली गाइस पहुंच गए हम यूथ क्लब में। हमारा पन्नी भाई का ग्राउंड है और मैंने लिया दो बल्ले। आज क्रिकेट बहुत बढ़िया हो रहा है, सफेद ड्रेसों में क्रिकेट खेलते हैं लोग। अब किट में आना चाहिए ना, सफेद ड्रेस को खेलते तुम लोग। और ये हमारे भाई, ये मेरे बड़े भाई संजू भाई, ये अपना भाई हटेला, और इनको जानता नहीं, हेलो बोल दो। वो अपने भाई डमरू, और हमारा फर्जी रिटायर्ड डमरू। गाइस इसको एक पैक चाहिए रोज। तो गाइस मैं अभी थोड़ी देर में करने वाला हूँ कमेंट्री। कमेंट्री बहुत बढ़िया करता हूँ।
तो सभी को नमस्कार, आपका छोटा भाई लवी गुप्ता गुप्ता। तो गाइस अब मैं कर रहा हूँ बोले तो ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ और कमेंट्री करूंगा, तो मिलते हैं अभी ब्रेक के बाद, कंटिन्यू रहिए। मैंने कमेंट्री करी, लाइट चली गई यार, अब हम ऐसे बैठे हैं और हमारे संजू भाई हमारे बीच, तो कुछ बोला जाए गाइस के लिए। कहाँ थे तुम कल? गाइस कल हम भीमताल गए थे, हमारे जबरा भाई काठगोदाम टूर्नामेंट देखने गए थे। अपना टूर्नामेंट जो हम जीत नहीं पा रहे हैं, दूसरों की जीत में ही खुशी ढूंढ रहे हैं। क्या करें बताओ गाइस, कितनी शर्मिंदा की बात है। बड़े भाई ने दो लफ्जों में इतना सब कुछ बोल दिया कि कुछ बता नहीं सकता। अरे नासपीटो जो ब्लॉग देख रहे हो ना मेरे दोस्तों, जो क्रिकेट की मेरी टीम है, थोड़ी शर्म खाओ यार। संजू भाई ने दो बातों में बहुत कुछ बोल दिया है। अपना मैच जीतना है हमको यार, और दो बैट लिए मैंने तुम्हारे लिए, फिर पाँच छः बल्ले के बैट रखे हुए हैं। बहुत ही प्यारा क्रिकेट चलता हुआ गाइस। गाइस आजकल आप सोच रहे हो कि क्रिकेट के ही ब्लॉग डाल रहे हैं, जबरा भाई कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। गाइस जाने का टाइम ही नहीं है, हल्द्वानी शहर में इतना प्यारा हमारा शहर है, हम यहीं रहते हैं, तो जो होता है वो डाल देते हैं यूट्यूब चैनल पे। लेकिन फेमस तो बहुत टफ है यार, फेमस नहीं हो सकते ना सौरभ भैया की तरह। बिल्कुल हो सकते, मैं सौरभ जोशी की तरह फेमस नहीं हो सकते हूँ। अगर फेमस हो गया ना तो यार थैंक गॉड यार। फिर मैं ग्राउंड में उस टाइम, बहुत ही प्यारा मैच चल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इंपायरी कर रहे हैं पन्नी भाई, उधर कर रहे हैं अपने एक भाई, बहुत बढ़िया बॉल। और कल जो फाइनल जीता है वो वाले भैया बैठे हैं, वो है दगड़ू भाई, जो रणजी में खेल के आ चुके हैं या जाने वाले हैं, मुझे पता है, इतना कन्फर्म नहीं, बता देता हूँ। और बहुत अच्छा मौसम, बहुत अच्छा ग्राउंड। रितेश को हमने छोड़ दिया है, शॉट मार दिया है, और रितेश को छोड़ दिया हमने राइट में, तो सामने। गाय जैसे कि मैंने आपको बताया, कल जिनने फाइनल जिताया हमारे दगड़ू भाई रणजी प्लेयर, तो क्या नाम है मुझे पता ही नहीं है। हेलो भैया, राम राम सबको, गुड आफ्टरनून। इनका लिंग आशीर्वाद, इनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। तो कल के सारे खिलाड़ी यहाँ आए हुए हैं, देखिए भैया नमस्ते। और गाइस कल जिन भाइयों ने हमें जिताया फाइनल, वो भाई यहाँ बैठे हैं, और यहाँ हमारे मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं, तो थोड़ा टाइम इनके साथ बिताऊंगा अभी, उसके बाद फिर आगे की जो भी ब्लॉग है वो दिखाएंगे। कंटिन्यू रहो गाइस। ये हमारे बड़े भाई पन्नी भाई, और इनका शोरूम है स्कूटियों का मंगल पड़ाव पे, किस नाम से बताओ? हीरो इलेक्ट्रिक है। तो यहाँ पर ये जो ग्राउंड है आपका, जो भी आपने, तो यहाँ पर क्या चल रहा है बताओ ना हमारे गाइस को। ये एक कॉर्पोरेट टूर्नामेंट चल रहा है बुड्ढों के लिए, जिसमें बुजुर्ग लोग अपने बस में मिटाए वाला टूर्नामेंट चल रहा है। और कुछ इसके बाद ओपन टूर्नामेंट होगा जिसमें 1,00,000 कैश प्राइज। वेरी गुड। और कुछ कहना चाहेंगे? बस बहुत है, आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट हमारे ब्लॉग्स को कमेंट करें। ये अपने दद्दा, दद्दा नमस्कार, धन्यवाद। मैं डमरू, ये हमारा गांव का यूपी का है, और मेरा बड़ा भाई, और ये सारा यहाँ पर देखभाल यही करता है, पिच पे पानी नहीं डालता है। क्या नाम है डमरू आपका? आपका नाम क्या है? रोहित। अच्छा, शर्मा रहे थोड़ा, कैमरे के सामने अच्छा शर्माते हैं। ये पड़ गया सरफ, और सरफ से क्या होता है पन्नी भाई, मुझे कुछ बताएंगे कुछ? अच्छा, ये मैंने पहली बार सुना यार, सरफ वाला पानी, अगर आप सरफ और शैम्पू वाला पानी अगर आप डालते हैं पिच पे, तो बॉल नहीं, विकेट थोड़ा शाइन मारेगा। अच्छा, दूर से चमकेगा काला कलर। अच्छा, वेरी गुड यार। तो कम से कम 10-12 पैकेट शैम्पू और 1 पैकेट सरफ का पड़ेगा, तो पिच बढ़िया हो जाएगी। ये ग्राउंड बहुत बेहतरीन बनाना है गाइस, कभी यहाँ टूर्नामेंट तो चल ही रहे हैं, और बढ़िया टूर्नामेंट होंगे, अभी नाइट के भी हो सकते हैं अगर ऊपर वाला चाहेगा, और आपके प्यार से उसमें बना लो गोल। इस आदमी की 4 शादी हुई है गाइस, डमरू 4 शादी। चेहरे पे स्माइल देखो, 4 बीवियों का प्यार मिलता है तो आदमी के स्माइल आई जाएगी। तो वहाँ टंकी से किससे निकालेगा पानी? विजेता टीम के कैप्टन हमारे ईशु भाई, कल आपकी टीम फाइनल पहुंच के, और मैच भी आपने जीत लिया, और ट्रॉफी मिल गई, 35,000 रुपए प्राइज मिल गया, तो आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। और कुछ बताना चाहेंगे? बोलना ही नहीं आता, क्या बताएं अब गाइस, कैमरे के सामने। अच्छा छोई, ये हमारे बाबूजी, तो कैसे हैं आप? बढ़िया। चलो कुलचू महाराज की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, और ऐसे ही चश्मा लगाते रहो, मस्त रहो। तो गाइस ये है ग्राउंड, बहुत ही प्यारा ग्राउंड, ये है इंदिरा ग्राउंड, और यहाँ का लोग नाम लेते हैं कि इंदिरा स्टेडियम। तो यहाँ पर मैच होने वाला है, अभी कितने ओवर का मैच है? 15 ओवर का मैच। सभी खिलाड़ी आए हुए हैं हमारे बड़े बड़े, यहाँ पर दगड़ू भाई भी हैं, अमन भाई भी हैं, बाकी वैभव भाई भी हैं।
तो गाइस अभी हम यहाँ पर थोड़ा देर बैठेंगे, फिर टॉस होगा, फिर टीम होगी, जो भी होगा दिखाएंगे। तो फाइनली गाइस अब मैं आ गया हूँ घर सुबह से, आपको बताइए आज मैं कहाँ था। पूरा ब्लॉग आपको शूट किया है मैंने, आज आपके पास पहुंचेगा। तो मैंने अभी भरा है पानी 2 बाल्टी, अब मैं पहुंच गया हूँ घर और बहुत थकान हो गई है, लेटूंगा सोऊंगा। और गाइस कल मुझे जाना है बुलंदशहर, कल हमारे चाचा हैं प्रदीप चाचा, उनके भतीजे की क्या भतीजी की सगाई और शादी है, उसमें मैं विवेक छोटू और एक आध अपना भाई और जा सकता है। तो गाइस आज का ब्लॉग जो था वो आपको बता ही दिया है मैंने और दिखा भी दिया है। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और वायरल कर देना। वायरल मैं हो जाऊंगा ना तो मेरे साथ आप भी वायरल हो जाओगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ जो बोला वही कर देना। बाकी आई लव यू, मिस यू, आप सब मेरी फैमिली हो। बाय बाय, टाटा।